साथ साथ चलने की सात कस्में। हर समाज में पति पत्नी का रिश्ता इन्हीं कस्मों वादों के साथ शुरू होता है। हर दम हर कदम बराबरी का, तो फिर बेटा और बेटी बराबर क्यों नहीं? बेटों की चाहत इतनी ज्यादा कि हम बेटियों को कोख में ही मार देते हैं। क्यों और कैसे लोग भूल जाते हैं कि उन्हें भी किसी की कोख में 9 महीने तक संजोया गया था। क्यों करते हैं हम फर्क बेटे और बेटी में? शायद जरूरत इन 7 फेरों के अलावा एक और फेरे की है, जो बेटे और बेटी का ये फर्क मिटा सके। और अब देश के कुछ हिस्सों से ऐसे सबक भी आने शुरू हो गए हैं। जब हमारी बेटी हुई थी तो हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जब बेटी अच्छी है तो खुशी ही ना। हमने किसी से, हमारे घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटी क्यों हुई, क्यों हमने ये कहा कि बेटी नहीं है तो बेटा कहाँ से हो ना। हाँ, बेटी ही तो जन्म देती है ना। जब शादी किससे, अगर लड़का ही चाहे तो लड़की कहाँ से होंगी। राजस्थान का जिला भरतपुर सूरजमल की राजधानी बनकर उभरा, और अंग्रेजी राज के दौर में ऐसा गढ़ बनकर जिसे दुश्मन कभी जीत नहीं सके। आजाद भारत में 3 राज्यों से सटा हुआ, फिर भी पहचान एक पिछड़े जिले की। इसी भरतपुर के रूपवास ब्लॉक में एक छोटे से गांव में रहती है रेखा। रेखा की जब शादी हुई तो वो सिर्फ 12वीं पास थी। वो खुशकिस्मत थी कि अनपढ़ होने के बावजूद सास ससुर ने साथ दिया और वो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी कर सकी। मेरे पे 2 बेटियां हैं और हमें अच्छी तरह से प्रवर्त कर रहे हैं उनकी, और आगे भविष्य में उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो जैसे उनकी इच्छा होगी उन्हें वो कराएंगे। रेखा की ये सोच बताती है कि पढ़ाई लिखाई ने अपना काम कर दिया। शहर से काफी दूर और हाईवे से भी काफी अंदर बसे गांव में रहने वाली रेखा जान चुकी है कि रूढ़ियों से पैदा हुए अंधेरों को सिर्फ शिक्षा की लौ से ही दूर किया जा सकता है। आज वो अच्छी तरह समझती है कि हालात बदलने के लिए शिक्षा ही एकमात्र तरीका है। पास में ही गाँव इंग्लिश मीडियम, इसमें कराएंगे कि उसे कि अच्छी शिक्षा मिले, किसी सर्वे से लग जाए, क्योंकि हमारा भी नाम हो, गांव का भी नाम हो और खुद का भी नाम। अपने साथ साथ गांव की भी बेहतरी, सोच और समझदारी की ये बात औरों को भी समझ में आने लगी है। आसपास के गांवों की दूसरी औरतों को भी लगने लगा है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि रहन सहन के सलीके में सुधार लाने के लिए भी है। इसीलिए जिन्हें बेटियां बिहानी हैं वो तो जागरूक हैं ही, जो बहुओं वाली हैं वो भी पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगता, पढ़ी लिखी बहुएं ही मांगते हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी आएंगी तो उनको पता है कि अगर वो पढ़ी लिखी आएंगी तो जिंदगी भर की रोटी साथ लाएंगी, दहेज मिलेगा तो उसको सास ससुर रख लेंगे, वो उनके काम नहीं आएगा। गांव बड़ी खामोशी के साथ बदल रहे हैं। हालांकि पुरुषवादी सोच के तेवर अब भी बरकरार हैं, लेकिन बदलाव इधर भी आया है। गांव के बुजुर्ग मानने लगे हैं कि समय के साथ अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। घर का काम तो टाइम निकालना पड़ेगा था, उधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। कुछ सहयोग, जैसे हम फालतू रहते हैं, हम भी करते हैं जानवर वानवरों का, जैसे हम भी सहारा लगा देते हैं,
औरतों का। गांवों में ये जागरूकता अचानक नहीं आ गई, पीढ़ियों से ढोई जा रही परंपरा को बदलने में शिक्षा और संस्कार ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। शिक्षा के ठोस बुनियाद में ही लगातार जागरूक रहने और कुछ नया सीखने के रास्ते पर आगे बढ़ाया। बीएड कर रही है सर मेरी बहू, मेरी बच्ची है वो बीएससी कर रही है, उसकी चॉइस है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूं। एक बेटी है वो बीए कर रही है, उसकी भी ये चॉइस है कि मैं बीएड करके एक दिन टीचर बनूं। तो मैं ये कह रही हूँ हे भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण हो तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और बेटियों की शादी तो मेरे ये विचार है कि मैं जब ही करूँ जब मेरी बेटी पैरों पर खड़ी हो जाए, नौकरी लग जाए। गांव की जिंदगी आसान नहीं होती, यहाँ शहर जैसी सुविधाएं और सेवाएं नहीं हैं। दिन खुलने से लेकर सांझ तक सब कामकाज खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन समाज और माँ बाप की नज़र में अगर बेटे बेटियों का भेदभाव ना हो तो मेहनत से भरी जिंदगी भी आसान हो जाती है और बच्चियों को पढ़ाई का मौका भी मिल जाता है। गांव के इन्हीं सरकारी पाठशालाओं में सबसे पहले बच्चों के मन में सपने रोपे जाते हैं। यहाँ से जो बीज बोए जाएंगे उन्हें खाद पानी देने का माहौल बनने लगा है। गांव के बच्चे भी बदलते माहौल को समझने लगे हैं और अब उनके भी सपने परवान चढ़ने लगे हैं। इस इलाके में बड़ी होती लड़कियां भी समझती हैं कि जिंदगी में कुछ करना है तो शिक्षा ही वो जरिया है जिससे वो अपने सपनों को सच में बदल सकती हैं। मैं बीए कर रही हूँ और बड़ा होकर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं आरएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। जब आगे बढ़ने का हौसला मजबूत हो तो तरक्की को बांधने वाली दकियानूसी बेड़ियाँ खुद ब खुद टूटने लगती हैं। शिक्षा संस्कारों की बुनियाद है। बेटे और बेटी में भेदभाव को दूर करने की सोच अगर संस्कारों में आ सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पुरुष और स्त्री के जीवन में विवाह से बड़ी कोई संस्था नहीं, इससे बढ़िया कोई दूसरा अवसर नहीं जब ऐसे संस्कार को रोपा जाए। आखिर विवाह भी तो एक संस्कार है। बेटियों की बेहतरी के लिए जमाने के साथ कदम मिलाने को तैयार दिखने वाली रेखा ने भी अपनी शादी के समय ही इस संस्कार की नींव रख दी थी। हम बीए करते थे और कॉलेज भी जाते थे, पढ़ाने जाते थे। तो हमने पापा जी से बोला कि पापा जी हम आठवां फेरा ले लेंगे। क्यों बात क्यों बेटी? कि हम जो भी गर्भवती बच्चा होगा उसकी जांच नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। कि अच्छा तुम्हारी इच्छा है, इससे नहीं अच्छी क्या बात हो सकती है? कि अच्छा, और हमसे किसी से नहीं कहा था। अब शादी हुई थी तो शादी हो गई, जयमाला डल गया, सब चीज़ काम हो गई। और जब फेरों की बात आई सुपर्णी, उस टाइम कहा था कि पंडित जी हम आठवां फेरा लगाएंगे। क्यों बेटी? कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, जो भी बच्चा होगा उसकी हत्या नहीं करेंगे, जांच नहीं कराएंगे। हिंदू विवाह में जब तक सात फेरे ना हो जाए पति पत्नी एक दूसरे के नहीं माने जाते। अग्नि को पवित्र मानते हुए पति पत्नी का लिया हर फेरा एक संकल्प होता है, एक दूसरे को दिया एक वचन होता है। इन्हीं सात फेरों के बाद बेटियों को बचाने के लिए लिया गया आठवां फेरा। आठवीं फेरे की पहल ने कईयों के मन का फेर खत्म कर दिया। महिलाओं को ये समझ में आ गया कि अपनी आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए खड़े होने का समय आ गया है। हम भी तो बेटियां हैं, फिर आगे अगर हम बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो लड़के तो सब ऐसे ही कुंवारे घूमेंगे। वैसे भी बेटियों की कमी है।
बेटे बेटी में फर्क की सोच से टकराने वाली रेखा इकलौती नहीं है जिसने आठवां फेरा लिया हो। रेखा की शादी के करीब 3 साल बाद हुई कल्पना की शादी। कल्पना ने भी अपनी शादी में एक बड़ी पहल करते हुए आठवां फेरा लिया। पापा जी से बोला था हमने कि 7 फेरे लगते हैं, पंडित जी तो 7 फेरे दिलवाते हैं, तो हम पहले बातचीत कर लेते फोन पे ऐसे कि हमें, वो बोल रहे थे कि ऐसे कैसे बोल रही है तू, मतलब 8 फेरा लेना है। मैंने कहा आप न्यूज नहीं देखते, आप टीवी नहीं देखते, मैंने कि टेलीविजन पर समाचार आप इतने पढ़े लिखे हो कि, उन्होंने बोला कि मेरे को तो पता नहीं, अगर तू कह रही है चलो। पंडित जी बोल रहे थे कि भाई 7 फेरे हो गए, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों नहीं, आप हट जाओ और हम इस फेरे को हम लेंगे स्वयं दोनों जिम्मेदारी। बेटी को कोख में मारने के खिलाफ इस इलाके के गांव-गांव में खुद औरतें ही पहल कर रही हैं। आठवें फेरे की पहल शायद रेखा और कल्पना से पहले भी कहीं हुई हो, लेकिन ये दोनों अपने आसपास के गांव की औरतों के लिए मिसाल जरूर बन गई हैं। उसका नाम कल्पना है और उसने आठवां फेरा, मतलब वो कन्या जीव हत्या नहीं करवाएंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे, इसलिए उसको आठवां फेरे के रूप में उन्होंने नाम दिया है और उसे वो पूरा करेंगे, उन्होंने ये संकल्प लिया है आठवें फेरे के रूप में। ऐसा नहीं कि बेटियों को बचाने और उनकी जिंदगी बेहतर करने की इस पहल को पुरुषवादी सोच का विरोध नहीं झेलना पड़ा, लेकिन जब नई पीढ़ी ने इसे मानना शुरू कर दिया तो बड़े बुजुर्गों और विवाह कराने वाले पंडितों के पास भी समझदारी दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार 7 ही फेरे होते हैं और सप्तपदी यानी 7 ही वचन दिलाए जाते हैं, परंतु आने वाली जो ये पीढ़ी है, आजकल भ्रूण हत्याएं अधिक हो रही हैं। ये कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए ये अग्नि के सामने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को माननीय सरपंच साहब ये वचन दिलाना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में भी कभी भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। भरतपुर के बहुत से गांवों में शादी के समय आठवां फेरा लेने की कहानी लोगों के जुबान पर चढ़ चुकी है। आठवां फेरे एक संकल्प है ये बेटियों को बचाने का, बेटियों की सुरक्षा करने का, कि उसके माध्यम से एक 7 फेरे तो एक पति पत्नी के धर्म के लिए निभाने के लिए पड़ते हैं, लेकिन आठवां फेरा एक बेटी बचाने के लिए कि वो बेटी मतलब किस तरह से बचाई जाए। अगर हमारे परिवार में कोई शादी हुई, हमारे आस पड़ोस में होगी, तो हम इस आठवें फेरे के बारे में बताएंगे और रिश्तेदारियों में भी इसी के द्वारा ऐसे ही धीरे धीरे ये बढ़ेगा। जब हम उनको समझाएंगे, उनकी समझ में आएगा, तब ये आठवें फेरे के बारे में उन्हें मालूम पड़ेगा कि आठवां फेरा क्या है। अब इस पहल के समर्थन में पुरुष भी खुशी खुशी आगे आने लगे हैं। भरतपुर का ही एक और गांव है पहरसर। आज गांव के सरपंच बच्चू सिंह जी के बेटे सोहन की शादी है। परिवार की महिलाओं में भी इस शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह है, क्योंकि इस शादी में भी आठवां फेरा लगने वाला है। हम आठवां फेरा इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाए और इस तरह से जाए कि लड़कियां हमारी बहुत कम है, अनुपात में आ रही हैं और लड़के ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हमको लड़कियों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम आठवां फेरा बचन के लिए लगा रहे हैं आपसे। तो वहां के ठीक है, राजी हो गए पंडित जी। आठवें फेरे की ये रोशनी इलाके में धीरे धीरे ही सही लेकिन फैलती जा रही है। तभी तो जिले के कुम्हेर ब्लॉक के सहे गाँव में हो रही एक और शादी भी बहुत खास बन गई है। यहाँ एक लड़की के माँ बाप ने लड़के वालों को आठवां फेरा लगाने के लिए मना लिया है। मेरी बच्ची है, उसकी शादी है, जैसे 7 फेरों की कसम लेते हैं, ऐसे आठवां फेरा इसलिए कसम ले रहे हैं कि हमें कभी जीवन में भ्रूण हत्या, लड़की की भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। आठवें फेरे के इस फैसले से घर की महिलाओं के चेहरे पर चमक है, जैसे कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो गया। माँ बाप के इस फैसले से बिटिया सोनल भी खुश है। कल मेरी शादी है, इसलिए 7 फेरों के बाद भ्रूण हत्या के ऊपर एक फेरा फालतू लेना पड़ता है। शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ पूरी हो रही थी। सोनल की शादी कराने वाले पंडित को नहीं मालूम था कि वो इस शादी में कैसा अनूठा इतिहास लिखने जा रहे हैं।
इसकी जानकारी लगी उन्हें फेरे लगवाने से ठीक पहले। यहाँ की परंपरा के मुताबिक फेरे पड़ते वक्त लड़की के पिता का मंडप में रहना उचित नहीं माना जाता, इसलिए फेरे शुरू होने से पहले पूरी रिश्तेदारी के बीच सोनल के पिता ने पंडित जी से अपने दिल की बात कही। मैं कन्या भ्रूण हत्या नहीं करूंगा और लड़का लड़की को मैं समान समझूंगा। उसका आठवां हो रहा है। ये पंडित भी बदलाव की बयार के समर्थक ही निकले। ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत बढ़िया हो रहा है और ये अच्छा है, और अगर समाज में इसका प्रचार होगा तो समाज सुधार होगा। आपने जो एक फेरा अलग से जो लगवाया है वो समाज के लिए इस संकल्प का लगवाया है कि कभी समाज में वो व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, और लड़की लड़का को एक समान समझते हुए और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएंगे। और फिर बारी आई फेरों की। जो आठवां फेरा लिया है उससे हम ये संकल्प लेते हैं कि मैं कभी भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवाऊंगा और लड़का और लड़की को हमेशा एक समान समझूंगा। ये मैंने पहली बार ही सुना है जब ये शादी हुई है उसी समय, इससे पहले नहीं पढ़ा, लेकिन अखबार में इसके बारे में जरूर पढ़ लिया। इसके बारे में सभी को जागरूक करना चाहिए क्योंकि इससे जो लिंग अनुपात है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, और लड़का और लड़की अगर एक समान रहेंगे तो आगे भी समाज में भी इससे सुधार होगा। आठवां फेरा बगैर शोरगुल शुरू हो चुकी एक खामोश क्रांति, जिसमें परंपराओं के खिलाफ बगावत भी नहीं हुई और समाज की बेड़ियां भी टूटने लगी। आठवां फेरा यानी साथ साथ चलने के सात कदम में बस एक कदम और जुड़ जाना और एक बेटी की पूरी दुनिया का बदल जाना। आठवां फेरा यानी बेटियों की जिंदगी को पंख मिल जाना, जिंदगी का खिल जाना। हम दोनों हर धार्मिक कार्य में एक दूसरे को साथ रखेंगे। हम दोनों एक दूसरे के माता पिता का अपने माता पिता की तरह सम्मान करेंगे। जीवन की हर अवस्था में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। परिवार की सभी जिम्मेदारियों को हम दोनों मिलकर निभाएंगे। समाज के रिश्ते निभाने और खर्च में हम दोनों एक दूसरे से राय लेंगे। किसी के भी सामने हम कभी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच हम दोनों कभी किसी को नहीं लाएंगे।